फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को स्वागत है एक नया ब्लॉग में। वीडियो में एंड तक नहीं मिलेगा आपको भले सी महादेव मंदिर का रास्ता था, फुल डिटेल आप लोगों को बताएंगे। ये वीडियो का पार्ट टू होगा। तो गाइस यहाँ से देखिए, हमारा जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी रास्ता है, वो यहाँ से फाइनली स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से जो कटारी का दूरी है लगभग 15 किलोमीटर समथिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा हलेसी महादेव मंदिर जाने का ये मेरा 5वां साल है। इससे पहले मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया, मैं इस यूट्यूब चैनल पे काम नहीं कर रहा था। अभी ये मेरा चैनल भी नया है, तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे पहाड़ी इलाका, इधर आप देखिए कितना पेड़ पौधा लगा है। और देखिए इधर इस तरह का पहाड़ दिख रहा होगा आपको, इधर का सड़क का भी कंडीशन आप देख ही रहे हैं, यहाँ का जो सड़क है वो कैसा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए ही कर रहे हैं। इतना ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे पहाड़, यहाँ पहाड़ को कटिंग करके रास्ता बनाया गया। बाइक को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 नंबर में ऊपर ले जाना पड़ता है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए कितना मस्त जंगल है, यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जरा पेड़ पौधा ही मुझे चारों तरफ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ का नज़ारा, चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए रोड का भी कंडीशन है, यहाँ से थोड़ा मुझे सही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा पिचिंग भी हो गया है। यहाँ से देखते हैं पिचिंग कहाँ तक किया गया है। पहाड़ यहाँ पे अच्छा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ देखिए बिल्कुल पहाड़ी एरिया। ऐसे भी आपको नेपाल में ज़्यादातर आपको पहाड़ ही देखने को मिलेगा। छोटा सा नदी है, यही नदी सूखा पड़ा है। कई बार हम लोग हलेसी महादेव मंदिर जाते रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है, इस बार एक सूखा पड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे घर किस तरह से बनाया है, कांच का लकड़ी पे घर बनाया गया है यहाँ पे। पिछले साल हम जब आए थे रोड का कंडीशन सही नहीं था, रोड बहुत टूटा हुआ था, सड़क जो है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। जैसे इस बार हम देख रहे हैं कितने यहाँ पे पिचिंग हो चुका है। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रोड बना हुआ है। अभी तक तो मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। Thank you.
जो कि छुट्टी बनाने में जो काम आता है, देखिए आप हम सतुआ कितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगा। सतुआ का जो पौधा है वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाका में ही होता है। आप देखें किस तरह से पहाड़ पे अटका हुआ है। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ पे घूमने में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिलैक्स हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जो आए तो बाइक से आए हैं, आप चाहे तो फोर व्हीलर से भी आ सकते हैं, लेकिन फोर व्हीलर से अच्छा लग रहा है आपको बाइक।